पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर निगम भिलाई द्वारा बनाया गया प्रवेश द्वार जर्जर हो चुका है, जिसे पुनः निर्माण या संधारण करने की मांग न्यू इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ के लोगों ने निगम भिलाई से की है। भिलाई शहर के पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही खूबसूरत प्रवेश द्वार बनाया गया था, जो कि काफ़ी पुराना हो चला है और इसके पुराने होने की वजह से इस द्वार के ऊपर लगाए गए काले पत्थर अब गिरने लगे हैं, जिससे इस प्रवेश द्वार से आने जाने वाले लोगों पर किसी दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है। और रही सही कसर प्रवेश द्वार के सामने अपनी दोपहिया वाहन खड़ी करके वाहन चालक पूरी कर देते हैं। इसकी वजह से हड़बड़ी में ट्रेन पकड़ने वालों के साथ भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इन सभी चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए न्यू इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ ने रेलवे स्टेशन पर बने प्रवेश द्वार के संधारण या फिर नवनिर्माण हेतु भिलाई निगम से गुहार लगाई है। इस मामले में निगम भिलाई की नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने भी हमारे द्वारा इस मामले को संज्ञान में लाने की बातें कही हैं और व्यापारियों से कहा है कि एक बार आकर निगम आयुक्त महोदय के सामने आवेदन प्रस्तुत करें। दिक्कतें तो पहले बहुत सारी थी। पहला दिक्कत जो सामने ये है कि सामने मुख्य गेट पे पूरे वाहने लग जाती है, उससे आने वाले सवारी को बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होने के कारण कई बार घटना घट चुकी है। मैंने खुद आंखों देखा है कि कुछ दिन पूर्व की बात है, यहाँ पर एक व्यक्ति अटैची लेकर आ रहा था, ट्रेन आ भी छूट और जगह इतना थके था कि आदमी जाके पटरी मतलब अटैची को पटक के पटरी मतलब यह हुआ कि गिर गया पटरी वो तो उसके बाद हम व्यापारी लोग मिल करके यहाँ पर राय मशवरा किए, यार इसकी समस्या समाधान करना पड़ेगा। निगम में हमने 10 बार लेटर दिया ना, एक बार नहीं 10 बार, और पुलिस से मांग किए हैं कि कम से कम इस जी रोड मेन हाईवे रोड है ये, यहाँ पर रोड क्लियर रहना चाहिए। इससे दिक्कत ये आ रही है, ये जो टाइल्स लगा हुआ है वो ऐसा चूरा जैसा बतासा छूता है, क्योंकि कभी भी किसी सर्फ गिरेगा तो आदमी कहानी खत्म हो जाएगी। कई लोग पूरे उखड़ गए हैं, तो निगम को जानकारी है, पता नहीं निगम की सोई हुई है। यात्रियों सफाई हो रहा, अच्छी बात है, होना चाहिए, उसमें हम सहयोग करेंगे, लेकिन शासन को भी चाहिए कि यहाँ सहयोग करें। हमें हमारी मांग ये है, जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ मत लगे, और दूसरा ये जो ऑटो वाले हमारे भाई लोग हैं उनकी भी व्यवस्थापन कहीं करें, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी लगी भाई, स्टेशन है ये, और ये जब तक ये नहीं बनेगा ना कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। एक्चुअली मैं वो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया था, और आपने अभी बताया है तो उसको मैं दिखवा लूँगी, और मेरा व्यापारियों से भी एक निवेदन होगा कि वे आके कमिश्नर साहब को एक सामूहिक रूप से अपना आवेदन दे दें, ताकि उस आवेदन पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जा सके और होने वाली दुर्घटना या किसी प्रकार की जान मान की हानि से बचा जा सके। कोई भी इमारत हो या किसी भी प्रकार का निर्माण, सभी की एक समय सीमा होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो पावर हाउस रेलवे स्टेशन का यह प्रवेश द्वार अपनी जिंदगी जी चुका है और अब इसे संधारण की जरूरत है। निगम भिलाई को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इससे गिरने वाले पत्थर से कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।